Hi guys, guys Iman, मुमिन. Welcome to another exciting episode of What's for the one? One. हम वसा चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ लास्ट वीक के शो को आप सबने बहुत पसंद किया बहुत इंजॉय किया इससे पहले हम आगे बढ़े आज के शो की शुरुआत करें आप सबको हम कहना चाहेंगे रमजान मुबारक रमजान मुबारक रमजान के रमजान के रमदान

ने पूरे घर बीमार किया है अपने खांसी का वायरस ऐसे हर जगह तो और सबको बीमार की चढ़की ने अच्छा मैं भी तो कर सकता हूँ जब मेरी बीमारी स्टार्ट हुई इस तरह से जानती है मैंने कहा मैंने मान मुझे लग रहा है तुमने खांसी की है मेरे खान में चली गई है अच्छा चलाओगे इस मौसम में तो बीमार नहीं होगी और के लिए

पूरे घर को बीमार कर दिया सबसे पहले मुझे हुई अच्छा ठीक है मैंने कर दिया अम्मा उसने इसने बीमार किया तूने ओ बाद में अम्मा ने कहा तूने तूने मुझे बीमार किया कहता अच्छा हुआ चीनी ने मुझे किया था आप ही बीमार होगी ये कैसे हुआ तो मोह मेरे पे आ गया बीमार मैं खांसती है जहर लगती मुझे खांसी होता है अच्छा वजह साथ पूरी दुनिया की खांसी को लेके जहर होता था अब कोई जान के खांसी करता है कभी कोई खांस कर ले हाय दूर हो जा मेरे से दूर हो जा दूर हो जा कैसे याद आ गई कैसे खांसी जो है ना बहुत

<laughs> <laughs> नहीं लोगों ने फायर एनिमेशन एंड गिव्स के अलावा मोमेंट एक कमेंट जो आप भी बहुत ज्यादा उतावले थे लेके एक हाँ। शादी को अंबानी वेडिंग इतने कमेंट्स आए अंबानी शादी आपने क्यों नहीं की अंबानी शादी क्यों नहीं की अच्छा हमारे दिमाग में था कि वो प्रॉपर एक शादी है हाँ। एक डिटेल पीएचडी करेंगे तो शो हाँ। 30 40 मिनट का तो पॉइंट हाँ, राम से हो जाएगा तो बहुत कुछ बात करने था तो हमने कहा पता है लोग इस बात पे थोड़ा अपसेट हो जाएंगे कि आपने बॉलीवुड कवर किया शादी को हाँ। तो हमने इसको अवॉइड कर दिया आप लोगों ने इतना ज्यादा कमेंट्स इतनी ज्यादा डिमांड की बस अब नेक्स्ट ये तो प्री वेडिंग हाँ। शादी बस आई खड़ी जुलाई में एक पीएचडी करेंगे अभी अगर आप देखना चाहते हैं तो अम्मा का व्यू देख से हाँ। थे जो कि बहुत बात हाँ। तो... थी अब क्या मजा भी ना आता तो हम जब नेक्स्ट शादी होगी तब करेंगे और मैं सी खुशी मना सकती हूँ अगर हम बॉलीवुड के दरवाजे खोल रहे हैं तो अभी नहीं मनाऊंगी क्योंकि अभी रमजान चल रहे वरना मेरे से क्रू की बात करना चाह रही जो हल्का फुल्का को प्लग किया जा सकता

कुछ थे जो सपोर्ट नहीं भी करते मोमेंट <laughs> तो जो लोग को होगा कि ना करें वो फिर हम लोग हमेशा एंड पे क्या करेंगे हाँ। तो वहां पे पाकिस्तान कंटेंट के बाद वहां पे खत्म कर देगा हाँ अदिक... एक बात मुझे मोमेंट करनी है मैं इस दफा चाहती हूँ कि हम सब मिलके ना एक टारगेट बनाए वेट oh. को लेके तो सब हम लोग हमेशा कहते तो हैं वेट बिगेस्ट लूजर वेन ये था तो अच्छा, बहुत पहले होता ना बिगेस्ट लूजर कि हाँ। आप ज्यादा वेट जो लूज करके वो जीतेगा तो हम सब एक दूसरे को चैलेंज करते हैं कि भाई रमजान स्टार्ट हुआ है सो अपने आज के वेट नोट कर ले। आज वो मेरा आपका वेट क्या है 108 मेरा था लोगों लो को यकीन नहीं होता लोग लगता लो मैं झूठ बोल रहा हूं क्यों कम लगता है मेरा वेट <laughs> मेरा था 76 तो हम लोग देखेंगे हर वीक एक अपडेट भी देते रहेंगे ताकि सब ऑन ट्रैक रहे और देखते हैं ईद तक कितना मेरे अभी ऐसे हम बात करें वेट की मेरा भी हेल्दी जर्नी स्टार्ट किया है इंशाल्लाह फिंगर्स क्रॉस फिंगर्स क्रॉस इंशाल्लाह मैं पूरा Motive, मैं इसको तक आप भी अपने वेट में और फिर हम देखेंगे कितने अच्छे जा रहे हैं ना मैं ये बात करूँ इस नोट में दो दिन हुए दो दिन हुए, दो दिन हुए बट बड़े स्मूथ गए दो रोजे बिल्कुल भी फील नहीं हुआ हालांकि हल्का सा होता ना थोड़ा आपको रात को थोड़ा जरा होती है बेचैनी प्यास लगती है

करो से नो नो डॉग्स से नो टू गेट हाई इस ये सी ले नोट पे हाँ। आज के शो की शुरुआत करते हैं और शो की शुरुआत करेंगे एक सेलिब्रेशन के साथ एक हाँ। इंसान की वापसी ईमान का गाना गाना जारी थी घर आया मेरा परदेसी प्यास बुझी मेरी आंखिए की हर आई हमारी मावरा हाँ। जी हाँ बात करें मावरा हुसैन के एक नए इंटरव्यू में उन्होंने कुछ बातें बोली और हमें झलक मिली पुरानी मावरा की जिनको हाँ, बड़ा मिस थे, थी अपने आप को पूरा ही बदलना चाह रही थी तो कस, कभी नहीं बदलना चाहिए पूरा अपने आप बेसिकली मावरा की पर्सनैलिटी ने बड़ा एक शिफ्ट लिया था कुछ साल पहले उनके आप ड्रामा प्रोजेक्ट्स उनकी चॉइस देख रहे हैं उनकी आप इंटरव्यू देखें तो बड़ा है वो एक, एक भी था। तो पहाड़ों में सुकून okay, सबात हाँ, आ गया सबात और नीम क्या न, था न, रोज नीम नीम के दरख्त और वो तरह का लेके ग्लैमरस नाच गाना कॉमेडी वार्षरा डांस करने वगैरह ने थोड़ा अपना रूट रूट बदल दिया था, इस इंटरव्यू चला बैक, बैक एंड शायद उनके बदलने की वजह भी थोड़ी-थोड़ी मुझे नजर आई मैंने अपना दे रही हूं, ये मेरा अपना है ठीक है कुछ इसमें वो नहीं पी ने डी किया में कुछ इंकशाफ किए हैं अपनी जिंदगी को लेके लव से रिलेटेड बातें और थी कि मोहब्बत का क्या हिसाब किताब है उनका मोहब्बत आपको इस तरह होती है कि आप चाहते हो कि बंदा अपने आपको लव बहुत इजी लगे रिलेशनशिप इस तरह होना चाहिए कि वो कभी भी कोई चीज कॉम्प्लिकेटेड ना लगे you know, love should be... Care, easy. आपको ऑथेंटिक होना चाहिए अपने आप को बदलना नहीं चाहिए घर really हाँ. के 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 हाँ. वालों हाँ. के लिए कुछ और दोस्तों के लिए कुछ और कॉलीग के लिए कुछ और पर हाँ, मुश्किल होता है कि आप बिल्कुल जैसे हो आप वैसे ही आ सको फिर कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में आपको बदलना भी पड़ता है कि आप दूसरे के साथ चल सको थोड़ी कोशिश हो मावरा का मेन पॉइंट ये था जिंदगी ऑलरेडी मुश्किल है हाँ. उन मुश्किलात में लव शुड नॉट फर्दर कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप शुड बी इजी नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड बिकज लाइफ ऑलरेडी इतना कुछ है लाइफ में तुम्हारे पास साथ है जिंदगी चिल लो हां जी पार्टनर आपके पास है अब इकट्ठे मिलके और आगे भरो ये नहीं कि आप आपस में लड़ते हाँ. रहो और मुझे थोड़ा-थोड़ा अपनी थोड़ा बहन की मुश्किलें नजर हाँ. भी आती थी ये मेरा अपना परसेप्शन है उन्होंने कभी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया इमान ऑब्वियसली इज टॉकिंग अबाउट मावरा एंड अमील सो बेसिकली इन्होंने कभी अपने रिश्ते इन्होंने कुछ कंफर्म नहीं किया कभी इन्होंने कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट पास नहीं किया बट कहने की बहुत देर से एक बात चलती आ रही है दैट तो मावरा एंड अमीर आर सीइंग ईच अदर हाँ। अगेन एक्सपेक्टुलेशन ही है हाँ। कुछ इन्होंने कभी इस बात को फिजिकली कंफर्म नहीं किया क्योंकि दोस्ती बहुत ही अच्छा बॉन्ड हाँ। था

मैं खुद चाहती हूँ कि आप कभी किसी को ले ना आप बदलो कभी नहीं बदलना चाहिए लोग आपको अप्रिशिएट भी नहीं करते हैं और एंड पे जाके लड़ाई होती है फिर आप कहते तो हैं मैंने इतने एफर्ट डाले दूसरा बंदा एफर्ट नहीं डाल रहा होता तो कभी आपको हमेशा ना इक्वल तो खैर ये किस्मत ही होती है आपको बिल्कुल इक्वल मिल जाए दोनों लड़का भी उतना एफर्ट डाले थोड़ा सा लड़कियों को ज्यादा करना पड़ता है बट एटलीस्ट उनकी तरफ से भी फोर्टी परसेंट एफर्ट हो वरना आप अगर नाइन्टी परसेंट करोगे ना टेन परसेंट होगा कभी भी वो रिलेशन काम नहीं करेगा एक पॉइंट आएगा आप तंग आ जाओगे तो आई एम सो हैप्पी फॉर यू मावरा यू डू यू खिला इसके अलावा भी जरा इंटरव्यू की थोड़ी सी और बातें कर सकती हूँ मैंने बहुत इंजॉय किया इनके थोड़े थोड़े क्योंकि मावरा पुरानी मावरा वापस आ गई थी जरा कामर्स भी जिस तरह पास करती है वरना अब नई वाली जो मावरा होते हैं उन्होंने कहना था कि मैं बस अच्छी 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 मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि वो हकीकत वाली बातें है आ, हसन ने दो दफा शूट करा ये, ये, ये हमारी अटेम्प्ट नंबर कराया हमारे नहीं पता है बोला बीच में उन्होंने कहा कि पता नहीं उन्होंने पहला डेक अच्छा नहीं लगा था अब एक पॉइंट पर उन्होंने कहा पता नहीं हसन को अपना इंट्रो नहीं अच्छा लगा था जो उन्होंने किया है एक पॉइंट बता कि उन्हें पता नहीं इनका नहीं पार्ट अच्छा लगा कि तुम लोगों ने अच्छे जवाब हसन भाई ने बेसिकली कह दिया था कि पिछला जो सेगमेंट था वो बहुत बोरिंग था और मावरा ने इस बात को बोला हसन इज yes, 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 बाज नहीं, ने कहा हमने पहले एक इतना अच्छा इंटरव्यू दे दिया था हसन मतलब अब इंटरव्यू में फिर अगर जो एक्ट्रेस इंटरव्यू में एक्टिंग करते उनको भी जीने नहीं देते और पता जो एक्टर्स इंटरव्यू में बैठ के एक्टिंग करते हैं उनके ऊपर भी इनका इतराज होगा कि वो एक्टिंग कर रुके हसन और वो चल रहा था मावरा का इनकी बहुत दोस्ती

या ना। और ये न्यू पेड़ देखने के लिए मैं एक्साइटेड हूँ हेर कमिंग बैक टू द क्वेश्चन ना उन्हें बेसिकली पूछा कि आपको जब पता चला कि आप इनके साथ काम कर रहे हो तो आपकी क्या फीलिंग्स थी दानियल का पहले मैं जवाब दूँ सो बेसिकली मैंने मावरा कितना काम नहीं देखा हुआ था मैंने काम बहुत कम देखता हूँ मैं लोगों का तो मेरे को है

एक बात ये भी है कि जब भी कोई एक्टर एक इंटरव्यू देता है उन्हें पता होता है वो एक बात बोल रहे हैं और कहीं कभी स्टेटमेंट पास कर रहे हैं और स्टेटमेंट के जरिए वो भी कुछ बातें ही कहना चाह रहे होते हैं कभी वो डायरेक्टली बता देते हैं

खैर <laughs> है खुद ही हाँ अब अब उसके बाद अटैक करेंगी ना मुझे जवाब देंगी जब अभी तो मैंने उनके उनकी गॉस से शुरू की थी मैंने बोला द सेम पेज वो ना द सेम पेज मैं तो खुश हूं मैं क्वीन मावरा के साथ हूं मुझे क्यों अटैक करेंगी वो तो खैर उन्होंने दो गंदे मीडिया पोर्टल्स ना क्यों मैंने क्या

जहां पे अहमद अली बट होस्ट आए थे अली नूर ये पॉडकास्ट आई एक महीना पहले लेकिन इस पॉडकास्ट को लेकर अभी एक ताजा ताजा कॉन्ट्रीता बनी जब महाअली काजमी जिनका आपको याद होगा हमने बात भी की थी लास्ट ईयर उसके भी दोबारा बात भी करेंगे उन्होंने इस पॉडकास्ट के ऊपर अपना एक टेक शेयर किया

एक पॉइंट के बाद खैर मैं भी इंटरव्यू भी बाद में आती हूँ तो महा को मैंने था कि अहमद अली बट कौन होते हैं बताने वाले तो उन्होंने मैसेजेस शेयर किए कि अहमद अली बट की पहले कि थोड़ा थोड़ा की हम पहले, हिस्ट्री भी थोड़ी सी ऐसी पहले आई थिंक आपको थोड़ा रीकैप दे दें दे आप लोगों को अली नूर और महा अली काजमी के हुँ. बीच में क्या था उसकी थोड़ी बात बता दें ईमान जरा शेयर कीजिए सो बेसिकली महा कोक स्टूडियो में आई थी वो एक सिंगर वाले एंगल में आई थी और अली ने उन्हें थोड़ा सा इंटरव्यू वगैरह किया उन्होंने कहा मुझे इनएप्रोप्रिएट क्वेश्चंस पूछे गए थे आई वाज कॉल्ड ऑन कोक स्टूडियोज ऑडिशन अली नूर केम A single sentence in my voice. He asked me a very unprofessional question. Will you?

आई थिंक उसको पे हम कर देंगे।, देंगे कर, देंगे। कर देंगे। इसके अलावा एक और केस भी अली पे आया हुआ है आयशा बिनते का वहां पर भी एक लंबा मैसेज था अगर सबको याद होगा नहीं तो मैं याद करा देती हूँ वहां पे आयशा ने इनको मैसेज किया था कि आपने मुझे एयरपोर्ट जाते जाते रस्ते में हरास करने की कोशिश की थी जिसके जवाब में अली ने एक अपोलॉजी लगा दी थी और उसके बाद जब अली को उस अपॉलोजी पे कोई जवाब नहीं मिला था तब अली थोड़े बुखला गए थे और अली ने एक अजीब सी ग्रेवियार्ड वाली पिक्चर लगा कहा था कि आयशा मैंने पहले भी तुम्हें पता नहीं क्यों सॉरी बोला था सिर्फ तुम्हारे कंसर्न ने बोला था और मुझे कोई परवाह नहीं सारी मैं आपको हिस्ट्री हिस्ट्री बता रही हूँ इस इंटरव्यू में उसके बारे में बात होनी है

और फिर मैंने किया अपना पी एच डी हाँ। को मुझे सबसे पहले होता है कि मैं इंसान को जानने की कोशिश करूँगी खाली अब क्लिप देखो ना तो आप एक अपना नज़रिया बना लेते हो मैंने पूरा इंटरव्यू देखा और पूरे इंटरव्यू के बाद मुझे बेसिकली है कि अली एक्चुअली नीड्स हेल्प मैं एक सीरियस बात पर कहूँगी मुझे नहीं पता अहमद अली बट उनके इतने अच्छे दोस्त हैं वो उनके पूरे हर जवाब में उनको क्यों नहीं नज़र आ रहा कि लिटरली एक सायरन बज रहा है कि इनको कोई हेल्प करे आके उनके इंटरव्यू में हर चीज़ में उनके जवाब ही पता नहीं कौन सा बहती हवा सा था वो शुरुआत में बात की कि मैंने इंटरव्यू में जब आपको लेना था ना मैंने आपको व्हाट्सएप पे मैसेज में किया तो मुझे पता चला आपने व्हाट्सएप डिलीट कर दिया है मैं आपको बड़ा व्हाट्सएप किया इस शो के लिए तो मुझे बाद में पता लगा कि आप व्हाट्सएप आपने छोड़ दिया क्यों उनका yes, सोशल मीडिया छोड़ दिया है है उसके बाद अहमद नॉर्मल थे हमेशा रॉक गाने थे, आपका और और कोई कोई प्लान है। सब प्लान सब कर रहा होता है थोड़ा सा ना पिस्ट इन बातों पे कि आप कहना क्या चाह रहे हो भाई फिर पूरे पुरानी बात पे कुछ अहमद ने पुरानी उनके उनके पूरे बैंड वगैरह को लेकर

गुस्से हो उनका भाई किस माहौल में बैठा था क्या पी रहा था कि तुझे कुछ याद नहीं आ रहा इंटरव्यू बताया कि मेरी जिंदगी बहुत कठिन थी क्योंकि मैं था। जैसे मैं लेफ्ट हैंडेड हूं ना तो मेरा गिटार कहीं नहीं मिलता है मुझे बनाना पड़ा मुसीबत मुझे गिटार नहीं मिलता था अहमद अली भट्ट वहाँ पे गए थे पूरी दुनिया में आधे लोग होते हैं

उन्होंने कहा मैंने कभी किसी लड़की को बुरी नज़र से देखा नहीं है मैं तो हमेशा लड़कियों को इतनी प्योर नज़र से देखता हूँ मैं जब से जिंदगी में कोई पैदा हुआ ना हो मुझे लगता है कि मैं लड़कियों के लिए एक सेवियर हूँ क्योंकि मैं हमेशा लड़कियों को अपने से ऊपर ही समझता हूँ मैंने हमेशा उन्हें प्योर तरीके से प्यार किया ना मैंने बचपन में कभी बच्ची फसाने की बात की है बच्ची फसानी I've never done that. ना मैंने कभी पूंडीबाजी की है ना मैंने कभी किसी लड़के से लड़की के बारे में बुरी तरीके से बात oh. की है I've never done pundi. I've never talked dirty with my friends. खैर एक और बात थी वहां पे बीप हो गई थी कि मैंने 18 साल की उम्र तक बीप भी नहीं किया I didn't even know to till I was 18. और अहमद okay. भी बट ने भी एक अजीब सा जवाब दिया हम्म hmm? <laughs>

किस तरह कोई फर्ट ही ना करे ये तो मैं इंसान मान ही नहीं सकती किसी को लड़की होते ही कह रही हूँ को भी कोई लड़का मौका नहीं जान देता और आप तो थे भी मतलब किस इंडस्ट्री में तो मैं सॉलिट से मुझे नहीं उनकी सारी बातों की उन्होंने बिल्कुल ही कहते मैं तो भाई बिल्कुल ही दुनिया हैं इसी बातों के बीच में कहते ना पहले उन्होंने कहा कि हाँ मैंने कभी तुम्हें किसी औरत के साथ मिसट्रीट करते हुए नहीं देखा हुआ आई हैव नेवर सीन यू मिसट्रीट वुमेन बाय द वे आई मतलब दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस तो इस बात को महाने क्लिप में बस उससे कर लिया इस बात का कि अहमद को पता नहीं बेहतर रास्ते में सोच आफ, रहे हैं ने महाने कोलेक्ट बनोरास बॉक्स महाने अहमद बट होते कौन है ग्रीन चिट देने वाले हाँ. अपने अपनी एक चैट खोली

अल्लाह खैर तो मुझे कहीं ना कहीं लगा ये क्लियरली कॉल फॉर हेल्प है उनके सारी बातों में जवाब है वो थोड़े से स्परिचुअल होने की कोशिश कर रहे हैं वो पहले पहले अपनी तरफ से दिखाना चाह रहे थे कि मैं बदल गया हूँ फिर उनसे रहा भी नहीं गया असली आ जाती है पर फिर एवं आ गए खैर अब वापस आती हूँ अहमद अली पर उनकी स्क्रीन शॉट वाले महा ने प्रॉब्लम वो क्लिप देखा तो माह ने इंटरव्यू देखने की कोशिश नहीं की माँ ने उस क्लिप से महा ने कहा जाकर स्टोरी दिखाई और ग्रीन चीट देने वाले पहले पहले जब वो स्क्रीनशॉट्स आए ना मैं भी थोड़ा सा मुझे वो मैसेज बहुत अजीब लगे मैंने कहा ये क्या तरीका हो किसी से बात करने का फिर जब मुझे साल पता चला दो हजार तेरह की बात है हर कोई एस एन इंसान इतना वो टाइम बदलता है जो बात किया मुझे नहीं पता इनका क्या कोई आपस आगे बात है आपस में बॉन्ड किया मुझे नहीं पता पेटली वो सुबह के पांच बजे मैसेज करे कि तुम क्या फील करो क्या फील करो कराची से लाहौर आगे लाहौर से कराची आगे तो वो अपना बता रहे कि अच्छा तुम इतनी ऑनेस्टी चाह रहे हो बात उनकी गलत है आप किसी को अनकंफर्टेबल फील करा रहे हो और वहां का जवाब भी आगे से ये है कि अच्छा चलो हमने आगे कभी इंडस्ट्री में मिलना है घूमना फिर तो मैं सोच तो तुम्हारा अकाउंट हैक गया हाँ हाँ तुम आयो हाँ। हाँ तो मस्ती में दोनों ने करते करते जवाब खत्म करते उसके बाद प्रॉब्लम मिलते भी होंगे उनका बॉन्ड रहा होगा तो आपने क्लिप के पीछे अहमद अली भट्ट को जो सारा दो हजार तरह के मैसेज की वो आपका केस ही मुझे थोड़ा सा

उन्होंने किया था अभी स्टोरीज में कभी केस खत्म नहीं होते किसी के भी मुझे ये तो सार चीज लगती है उन्हें, उन्हें ये तो दुख था कहती केस अब चल रहा है तो एम दे बट केस बना पे उन्हें

बाय बाय के आ चुके हैं शहर कराची कराची जाने के लिए रेडी हैं बिटियों के बीच में थोड़ थोड़े। ऐसे लड़खराते हुए थोड़े-थोड़े ऐसे हम वो साफ हवा सब कुछ छोड़ के जरा शायद पता नहीं कैसे ट्रैफिक आवाज और शोर और कंजेशन खैर वो चुके आ चुके हैं कराची <laughs> एयरवाई के रमजान ट्रांसमिशन में और जैसी खबर आई मंजर आम पे एक डिबेट स्टार्ट होगी एक कॉन्ट्रोवर्सी बन गई जो कुछ साल पहले तब भी बनी थी जब अहमद शाह ने इस शो को ज्वाइन किया था तो वही बात वह स्टार्ट हो चुकी है बच्चों का बचपन छिन रहा है या बच्चों की मासूमियत छिन रही है वगैरह वगैरह सबसे पहले मैं इस पर एक बात ये कहना चाहूंगा कि कहने की ब्लेम हमेशा चैनल पे हमेशा उन पर क्यों आ जाता है ये एट द एंड ऑफ द डे एक बात होती है एक चैनल और माँ बाप के बीच में और माँ बाप फैसला करते ड्रामा उनको तो अपने से वो अपना हाँ। हाँ। और फैमिली इमोशन जो उनके अपने बच्चे हाँ। तो उनको देखना चाहिए कि उन्हें क्या डिसीजन बनाना है हमेशा होता है ये बच्चों की मुसमत खा गए

сами नॉलेज में देखने को मिलता आ, है तो बहुत उनका एक एवोल्यूशन रहा है तो ये उनकी केस थी केस केस साउंड का जहां बात करें के इस केस की श्रजि ब्लॉग्स के केस में तो वो ऑलरेडी अपना कंटेंट बना रहे हैं मतलब अभी था था। तो वो बच्चे हैं उन्हें ज्यादा समझ नहीं है उन्हें इतना पता है कि हां कैमरा है मैं कुछ बोल रहा हूं इसमें रिकॉर्ड का बटन है ये कहीं लगता है लगने के बाद YouTube का लोग ये चीज पर कर रहे हैं ये रिएक्शन ऑलरेडी इन दिस गेम और उनके लिए मुझे एक स्टेप अप लगा उनके मां-बाप अगर कंफर्टेबल है उनके बच्चे अपने बच्चों को यहां भेज देने में तो आई डोंट थिंक इसमें कुछ आ, और अगर वो YouTube से भी कहीं ना कि अब मुझे वही होता है कि अगर आप बचपन वाली बात करें तो फिर जो इन सभी हाँ, exactly, वो, हाँ, तो तो वो भी है ना काम है ना की बेटा आप चल के आओ आप यहाँ पे काट नहीं फिर से आप भी काम है ना और आजकल पता नहीं बहुत से लोग एजुकेशन साइड पर ही आगे वो वहाँ मुझे लगता है बच्चों को इतना नहीं करना चाहिए बट ये फिर उनकी अपनी चॉइस है आप थोड़ी बता सको कहीं ना कहीं अगर आप हॉलीवुड देखो ना तो बहुत से हमें इस तरह के हैं केस में बहुत बच्चे थे बचपन से काम भी थे बहुत सी डार्क स्टोरीज भी हैं पर इस केस में ये बच्चे कुछ

और वो खुश खुशी चले जाते हैं ये आते हैं एक दो घंटा यहाँ पर टहलते हैं और ये लोग लो। मतलब आप लोगों को और कोई नहीं मिलता पहले अहमद शाह को आपने उसकी मासूमियत बिल्कुल उसको एक शहरी अडल्ट बना दिया छोटे होते में बच्चा बचपन आप लोग छीन लेते हैं और क्या जरूरत थी

क्या ड्रामा है मैं और उन्होंने बातें बोली बिलाल अब्बास की अदाकारी को लेके और बिलाल अब्बास के फैंस हो काफी अपसेट तो बेसिकली हुआ कुछ कि क्या ड्रामा है मैं? हर हफ्ते रिव्यूज किए जाते हैं को लेके तो वसीम अब्बास एज अ गेस्ट जज आए थे उन्होंने ड्रामे की बात करते हुए कहा कि उन्होंने बिलाल अब्बास की अदाकारी को हमेशा बड़ा पसंद किया है बड़े अच्छा अदाकार है उन्होंने तारीफ की हैंडसम लड़का है बहुत प्यारा लड़का है बहुत अच्छा अच्छा काम किया है और उन्होंने कहा कि मुझे लगा कि इस इस ड्रामे वो थोड़ा इस ओवर ड्रामे दा की वो जरा ओवर प्ले कर रहा है इस एपिसोड में वो जरा ओवर ड्रामा ओवर एक्टिंग कर रहे हैं प्यारा है लड़का कैपेबल है इस ड्रामे में ओवर हो रहा है वरना उसने अपने आप को बनवाया हुआ है हाँ। और वो बहुत अच्छा है वेरी कैपेबल एक्टर कोई शक ही नहीं है और कहीं कही ना कि मुझे ये फील हुआ कि वो ये जो ड्रामा है

ताकि वो अगर किसी बारे हाँ। के बारे में बात करेंगे तो फिर इस तरह बात करेंगे तो हर किसी को अपना अपना राय है उनको लगा उनको नहीं अच्छा लगा आपको अच्छा लग रहा है आपको अच्छा लग रहा है हर किसी को अच्छा लग रहा है

जी हाँ हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं फिल्मी गेट को जिसने मेरे मुताबिक ठीक हाँ। ठाक एक रिस्पॉन्स लिया हमारे बॉक्स ऑफिस पे कोविड के बाद फिल्म खास स्ट्रगल कर रही है हाँ। एक छोटे बजट की फिल्म थी कि बहुत कमर्शियल मेन्स की फिल्म एज हाँ। सच नहीं थी फिर भी टिकी नहीं हुई बल्कि अक्सर के शोर बढ़ भी चुके हैं फिल्म लोगों ने कहीं फिल्म को देख रहे हैं जहां तक पैसे की बात करोड़ कमायाब तो निया, दो को नहीं कर सकी। जबकि उसमें यमना जैदी थी हाँ। और यू नो एक बड़ी कामर्शियल चेहरा था तो इस फिल्म में तीन करोड़ कमा लिया अभी भी ये चल रही तो शायद चार का ही फिगर भी टच कर जाए और इसी कामयाबी को देखते हुए अबू अलिया ने फैसला किया कि वो क्यों ना एक और फिल्म बनाए इसी टॉपिक पर जी हाँ उन्होंने अनाउंस कर दी अपनी अगली फिल्म इसका नाम है शाही मोहल्ला yeah. और अबू लिया लिखते हैं भाई अपने कैप्शन में कि टेक्साली गेट हीरा मंडी के एक घर के अफरात के साथ पेश आने वाले हाथ की कहानी थी शाही मोहल्ला में हम आपको हीरा मंडी की बासी इनके शब रोज मतलब बेसिक आपको पूरा हीरा मंडी का वो कल्चर आपको देखने को मिलेगा

इस हाँ, दुनिया के बारे में हाँ, देखने हाँ, की हाँ. तो मैं खुश होता फिल्म इस इसे तो तो बिल्कुल वो वो में दिखाई जरा फैंटसी से लग रहा है कि जमाना पुराना है वो थोड़ा वो देख यहाँ पे हमें बिल्कुल अभी देखने मिलेगा एग्जैक्टली व्हाट इट्स लाइक

तेरे बिन के बारे में अब ताज़ा खबर ये आई कुछ दिन पहले के शायद तेरे बिन को इंडिया में रीमेक करें एकता कपूर अब ये खबर फैल गई आपकी तरह हर जगह और जब अब्दुल्ला कादवानी ने इस खबर को अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया और सारे पोर्टर ने इसको रिपोर्ट किया था गैलिस ने भी किया था डीवा नीच सब ने तो उन्होंने इन सब खबरों को शेयर किया अपने इंस्टाग्राम पे तो कहीं ना कहीं मुझे लगा भाई बात हो चुकी है कंफर्म कि अब तेरे बिन का आ रहा है एक इंडियन वर्जन मजा आएगा तो वहां पर होगा हाँ, बॉर्डर उस पार लेकिन साथ ही नेक्स्ट डे पे एक और खबर सामने अब्दुल्ला और असद काशी ने एक खबर यू नो उन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि भाई ये खबर बिल्कुल है झूठ

ये अच्छी बात नहीं है जबकि इन्होंने गलत प्रोजेक्ट के लिए सारी बात कर कोई बिल्कुल इनका होता ना क्योंकि पहले आया था था कि तेरे बिनने, वहां से थोड़ी सी सीन कौन सीन कौन फे, फे, आया था, इल्जाम लगे थे तो वो तो अपना मुंह खोल मेरा इंतकाम सोचो मेरा तो वो कहीं ना कि एक बड़ी बरीक लाइन थी तो यहाँ पे मैं एक बात ये भी ऐड करता चलो कि इन द पास ऐसा हुआ है कि एकता कपूर ने पाकिस्तान से ड्रापर ड्रामों के राइट्स लेकर उनको रीमेक किया हुआ है मुझे एग्जैक्ट ड्रामे याद नहीं आ रहे कौन से बट मुझे ये बात किसी इंडस्ट्री के बहुत मतलब पुराने जमाने में ना जब इतना वावेला नहीं था हमारे ड्रामे को तो अब तो लोग ये राइट्स वाला है ना राइट्स के बगैर भी एक तो उठाती होंगी क्योंकि तब तो पाकिस्तान से मैं था। अब तो हमारे ड्रामे ज्यादा ऊपर है ना तो हमेशा लोग मुझे बाद में नाम दिया जाऊंगा के बहुत दिग्गज

देखे देखे हाँ, तो कर सकते, ये रहे नो, यहाँ पे मैं एक बात ये भी कहना चाहूंगा आप पता नहीं आप गुस्से भी करेंगे नहीं करेंगे तेरे बिन कहे ना की चले यमुना बहा केमिस्ट्री पे उनकी एक्टिंग पे कहानी की बात इतनी कोई बहुत बहुत कोई यूनिक कुछ नहीं हाँ उनकी केमिस्ट्री उनकी परफॉर्मेंसेस और किस्मत हाँ किस्मत हाँ। कुछ चीजें होती है वो बस चल जाती है तो किस्मत अब थ्री टू का देखते हैं क्या होता है हाँ। 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 मजा आएगा देखने का फिर अच्छा मैं छोटा मैं एक बात ऐसा चाहूँ सब पॉइंट यार मैं जियो के स्कैड को देख के यार आप लोग होंगे

नौ तेरे मेरे सपने दस बजे घाटा यानी कि इनका सात आठ नौ का स्लॉट आप साइड पे रख दो इन एडिशनल दो ड्रामा दो रमजान के रोमांटिक ड्रामे nice. फिर उनमें आयशा भी है घंटे का nice. फिर दो इनके आधे घंटे वाले रमजान के ड्रामे फिर दो इनके स्पेशल ट्रांसमिशन भी हैं तो बहुत कुछ ईमान ये लेके आ रहे हैं nice. तो तीन बज लेके ग्यारह बजे तक तो आपके पास बहुत कुछ देखने के लिए मैंने हर चैनल की ना मैं बड़ी बारीकी से देखा था खुश रहे कि मैं दिमाग तुम्हारे सबके स्लॉट देखा था कि हम क्या कर रहा है एयरवे क्या कर रहा है तो इतने ज्यादा कंटेंट किसी के पास नहीं है हाँ, बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी कंटेंट कॉन्टेंट इन्होंने खेला हाँ, आगे बढ़ा हाँ। पे आगे, आगे बढ़ते हैं शो करते हैं खत्म बट नॉट विदाउट विद लास्ट पॉइंट जहां बात करने जा रहे हैं एक अपकमिंग टॉक शो के बारे में जिसका नाम है कहानी सुनो जिसको होस्ट करने जा रही है मैं दिल्ली दिल्ली ये आएगा जी उर्दू फ्लिक्स पर और साइमल्टेनियसली एक्सप्रेस पर मैं भी शायद निभा रही होस्ट का रोल

इनके इंटरेक्शन हाँ। होगा तो मैं तो भी बहुत एक्साइटेड अच्छा अभी कोई गेस्ट लिस्ट सामने है बट वी कैन ओनली एक्सपेक्ट के भाई इंडस्ट्री के बड़े नाम देखने को हाँ, मिलेंगे हाँ, हाँ। कि मैं भी शायद बैठी हूं होस्ट की सीट पे हाँ। तो दोस्त वगैरह भी आएंगे हाँ। सभा होंगी हमारी सही होंगे काज होंगे तो बहुत से स्टार्स और, और इनके सेट्स वगैरह पिछले और दूसरे से मजे के होते थे तो अब बस पिछले होस्ट जो थे थोड़े स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स रिलेटेड थे तो मैं जरा खुश हूं कि इस दफा उन्होंने ग्लैमर लिया है तो हां इसी के साथ हमारा शो होता है खत्म हैशटैग फीडबैक कॉर्नर हैशटैग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें द बेल आइकन और देखते रहे हैं व्हाट्सअप फॉर वन वन